हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, उस शॉर्ट टर्म में जो जाओ होंग होती है वो उन सबको यहाँ से जल्द निकलने के लिए धमकी देती है। लेकिन लाइला और हेतिन ने भी ठान लिया होता है कि वो यहाँ पे एक मकसद के लिए आए हैं, उस सेलेस्टियल किंग को मारना चाहते हैं। जैसे ही वो सेलेस्टियल किंग का नाम जाओ होंग सुनती है वो और भी ज्यादा घबरा जाती है और उनकी मदद करने से मना कर देती है। लेकिन ये लोग अभी उसके पीछे जा रहे होते हैं इस उम्मीद में कि उस सेलेस्टियल किंग के बारे में जाओ होंग उन्हें कुछ बताएगी। आगे ये दोनों यहाँ पे शेन को भी ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन शेन उन्हें उस रिवर में तैरता नजर आता है। इससे इन लोगों को लगता है कि शेन यहाँ पे मर चुका है। तो ये लोग उसके लिए सैड फील करने लगते हैं कि तभी अचानक शेन उठ खड़ा होता है, उनसे पूछता है कि इतनी उदास भरी चेहरे आखिर क्यों बना रखे हैं। जिसे हेतिन उसे डांटने लगता है ये कहते हुए कि तुम आखिर मरने का यहाँ पे नाटक क्यों कर रहे थे, तुमने तो हमें बहुत ही बुरा डरा दिया था। जिस पे शेन उन्हें बताता है कि मैं टेलीपोर्ट होकर के इस पूल में ही गिर गया था। हाँ, मुझे पता चला इसके अंदर जो पानी है इसकी शॉर्ट एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, फिर इसके शॉर्ट एनर्जी को मैं अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगा और ऐसा करते हुए मुझे नींद आ गई और मैं सो गया, ये मुझे पता ही नहीं चला। सुनकर जाओ होंग यहाँ सोचने लगती है कि आखिर आज मुझे इन किन तीनों नमूने से पाला पड़ गया है। इनकी हरकतें देख करके तो ये नहीं लगता कि ये लोग नॉर्मल हैं। कि तभी शेन को अचानक से दर्द होने लगता है, ये देख के हेतिन उसे कहता है कि अब बस बहुत हो गया, अब अपना नाटक बंद करो। लेकिन जाओ होंग उसे कहती है कि ये नाटक नहीं कर रहा, बल्कि इस पूल की कुछ ज्यादा ही शॉर्ट एनर्जी को इसने अपने अंदर सोख कर लिया है। इसी एक्सेसिव एनर्जी की वजह से लगता है इसकी बॉडी अब एक्सप्लोड करने वाली है। तभी अचानक से शेन एक्सप्लोड होते हुए वहाँ चिल्लाता है और फिर अचानक से कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देख के तो जाओ होंग के यहाँ हक्के बक्के छूट जाते हैं कि इतना ज्यादा एनर्जी सक करने के बावजूद ये एक्सप्लोड नहीं हुआ है और इवन कि इसने अपनी तीसरी आंख भी ओपन कर ली है। तो आखिर ये किस तरह के बंदे हैं जिनसे मुझे आज यहाँ पे पाला पड़ गया है। तब वो सोच रही होती है कि शेन उस पे हमला कर देता है, क्योंकि शेन जाओ होंग को गॉब्लिन कह रहा होता है, क्योंकि ना तो वो ह्यूमन होती है और ना ही घोस्ट होती है। अपनी तीसरी आंख की वजह से ही उसके ट्रू फेस को वो देख पा रहा था। इसमें लायला उसे दोबारा अटैक करने से मना करती है ये कहते हुए कि वो जानती है कि ये ना ह्यूमन है और ना ही घोस्ट है, लेकिन फिर भी इसने हमारी मदद की थी। इसमें जाओ होंग वहाँ से ये कहते हुए चलने लगती है कि मेरी मदद का तुम लोगों ने अच्छा सिला दिया। आगे वो लायला से कहती है कि मुझे जल्द से जल्द वो ग्रेट रिटर्न पेल दे दो, आगे मैं इसे लेकर के यहाँ से चली जाऊँ। जिसपे लायला उसे कहती है कि जाओ होंग तुम एक ह्यूमन नहीं हो, इसीलिए तुम्हें उस पिल की कोई जरूरत नहीं है। आगे वो इस बात से चिढ़ जाती है और इन तीनों को कहती है कि तुम एक ही खेत के मूली हो, इसलिए आगे से मेरा पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे इस तरह से परेशान करना बंद कर दो। अब आगे वो इन तीनों कार्टूनों से बचते हुए वहाँ से भागने लगती है। दूर जाके सोच रही होती है कि आज कितना अनलकी डे उसका गुजरा है, इन तीन नमूनों से जो उसका पाला पड़ गया है, जो बिल्कुल साइकोपैथ है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि आखिरकार ये तीनों उसे घोस्ट क्यों समझ रहे होते हैं। लेकिन वे जैसे भी थे वे काफी अच्छे लोग लगते हैं, सो एक बार उनकी मदद करने के बारे में मुझे सोचना चाहिए कि इन लोगों की तरह मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो किंग ऑफ फैमिली बींग्स को मारने के लिए इनके साथ चले जाऊंगी, ताकि एक बार तो पहले मर चुकी हूँ दोबारा से फिर से मारी जाऊँ। अब इतना वो सोच ही रही होती है और पीछे मुड़कर देखती है तो वो तीनों उसके सामने होते हैं। इस पे जाओ होंग उन तीनों पे चिल्लाने लगती है कि तुम लोग कहीं पागल तो नहीं हो गए हो, तुम्हें पता है कि वो किंग ऑफ हेवनली बींग आखिर कौन है जिसे तुम लोग मुकाबला करने आए हो। इस पे हेतिन उसे कहता है कि अब तुमने सही बात की है, हम आखिर यही तो चाहते हैं कि तुम उसके बारे में हमें बताओ। पहला भी उसे यही कहती है कि तुम्हें उसके बारे में हमें बताना ही पड़ेगा। सेबास्टियन उसे कहता है कि हमें कमतर मत समझो, हम उसे डेफिनेटली बीट कर देंगे। लेकिन जाओ होंग उन्हें बताने से फिर भी यहाँ पे इनकार कर रही होती है। इसमें लायला ये कहते हुए उसे मना लेती है कि मैं जानती हूँ कि तुम इस शॉर्ट टर्म में क्यों हो, यहाँ कई सौ सालों से कैद हो और यहाँ पे रहने का बस एक ही कारण है, तुम शॉर्ट टर्म में आने वाले लोगों को यहाँ पे डराती हो ताकि उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए इसके अंदर आने से रोक सको। लेकिन हम भी यहाँ उसी इरादे से आए हैं, हम इससे ज्यादा लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और पूरी वर्ल्ड को तबाह होने से बचाना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी। जिसपे जाओ होंग उसे झिड़कते हुए कहती है कि वो जो सेलेस्टियल किंग है वो असल में किंग ऑफ ऑल गॉड्स हैं, मात्र तुम तीनों मिलकर के उस किंग ऑफ गॉड्स को कैसे हरा पाओगे। आगे वो बताना शुरू करती है कि हजार साल पहले मेरे जो माता पिता थे वो भी यहाँ पे पहली बार आए थे उसी सेलेस्टियल किंग को मारने के लिए, और ऐसा कहते हुए वो कहानी शुरू करती है कि हजार साल पहले जब वो इस शॉर्ट टर्म में आए थे उन्होंने ही उस सेलेस्टियल किंग को यहाँ पे सील कर दिया था। अब ऐसा बताते हुए वो कहानी शुरू करती है और यहाँ अपने पेरेंट्स के रूप में हेतिन और लायला को अज्यूम करने लगती है। इस पे हेतिन और लायला यही कहानी को रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम अपने पेरेंट्स के लिए हम दोनों को क्यों अज्यूम कर रही हो। जिसपे जाओ होंग उनसे बताती है कि ये हजार साल पहले की बात है और मैं अपने माता पिता का चेहरा भूल चुकी हूँ, इसलिए तुम दोनों को अज्यूम करके कहानी शुरू करती हूँ। हेतिन एक्साइटेड होते हुए कहता है कि हाँ जो करना है करो, बस हम दोनों को कपल बनाना।
अब आगे इन दोनों को ही अज्यूम करके कहानी फिर से शुरू की जाती है और वो बताती है कि मेरे जो पेरेंट्स थे वो दोनों ही वेपन्स को रिफाइन किया करते थे और वो स्पेशली सबसे ज्यादा तलवार बनाने के स्किल्स में माहिर थे। जितने भी कल्टीवेटर्स थे सभी मेरे पेरेंट्स से ही इस तरह के वेपन्स बनाने के लिए डिमांड करते थे ताकि वो फाइटिंग में मेरे पेरेंट्स द्वारा रिफाइन किए गए वेपन्स को यूज करें। लेकिन वे सिर्फ वेपन रिफाइनिंग में ही निपुण नहीं थे, वो एक ऐसे कल्टीवेटर थे जो कि वर्ल्ड के टॉप नॉच मास्टर्स में से गिने जाते थे। और जो भी कल्टीवेटर इनसे अपने वेपन्स को रिफाइन करने के लिए आते थे उन सभी को इनसे पहले फाइट करना होता था। मेरे पेरेंट्स उन सभी को हराते थे और फिर उन्हें वेपन्स देते थे। जिस पे हेदिन यहाँ फिर से कहानी को रोकते हुए कहता है कि लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तो काफी ट्रबलसम थे और इनके नेचर के बारे में सुन के पता चलता है उन्हें इस तरह के फिजूल झगड़ा करना पसंद था। जिस पे जाओ हांग यहाँ चिढ़ जाती है और उसे कहती है कि मेरे पेरेंट्स के बारे में ऐसी बातें करना बंद करो। ये कहानी फिर से शुरू की जाती है जिसमें वो बताती है कि लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि किंग के जो मेन होते हैं वो यहाँ भी इनके पेरेंट्स के पास आते हैं और उनका भरोसा तोड़ते हुए वो इन्हें स्कैम करते हैं। जिस पे शेन फिर से कहानी को रोकते हुए यहाँ जाओ हांग से कहता है, तुमने किंग ऑफ गॉड्स की जगह में मुझे क्यों अज्यूम किया है? क्या तुम्हें मैं इतना बुरा लगता हूँ कि तुमने मुझे इतना खतरनाक रोल दे दिया है? जिस पे हेदिन उसे कहता है कि तुमने पहले सुना नहीं कि इसने क्या कहा, ये कहानी हजार साल पुरानी है, इसे अभी किसी के भी चेहरे याद नहीं है, इसलिए ये हम तीनों को ही अज्यूम करके कहानी आगे कंटिन्यू करेगी। एला कहती है कि तुम दोनों अपनी बकवास यहाँ बंद करो और इसे बार बार इंटरप्ट करना बंद करो, कि वो उसे कहानी को कंटिन्यू करने के लिए कहती है। जिसपे कहानी फिर से शुरू की जाती है। आगे जाओहांग बताती है कि वो जो किंग ऑफ गॉड्स था उसके पेरेंट्स को उसने फोर्स किया, जिसके कारण मेरे पेरेंट्स ने उसके लिए एक ऐसी तलवार बनाई थी। वो तलवार इतनी ज्यादा तेज थी कि वो हवा को भी चीर सकती थी और वह एक महान तलवार थी जिसका नाम पड़ा जोजियान शॉट। यहाँ पे हमें पता चलता है जो जियांग है वो इसी शॉट की तलाश में तीनों को उसने इस शॉट टॉम में भेजा है ताकि ये इसी शॉट को ढूंढ के ला सके। आगे शेन उससे कहता है कि वो जो सेलेस्टियल गॉड था वो इसी मेथड का यूज कर रहा था ताकि वो ह्यूमन वर्ल्ड में इंटर कर सके। ये कहानी फिर से शुरू की जाती है जहाँ जाओ हांग उन्हें बताती है जैसे ही उसके पेरेंट्स को इस बात के बारे में पता चला कि वो शॉट का यूज करके ह्यूमन वर्ल्ड में वापस आना चाहता है कि उन्होंने जाने अनजाने में एक ऐसी तलवार का निर्माण कर लिया है क्योंकि उस सेलेस्टियल रेयर्स के हर एक पीपल को इस रल में आने की अनुमति देगा, इससे यहाँ के कॉमन लोगों को ये नुकसान पहुँचाएंगे अगर वो तलवार किसी गलत हाथों में पहुँच गई तो। और इसीलिए इससे बचने के लिए मेरे पेरेंट्स ने तुरंत ही एक सेकंड तलवार बना डाली थी और ये एक प्रोटेक्टिव शॉट थी जो कि एंगर और सेल्फ ब्लेम से लैस थी। और यही तलवार उस जोजियान तलवार का तोड़ था और मेरे पेरेंट्स ने इसी तलवार का यूज किया था उस सेलेस्टियल किंग के खिलाफ। उन्होंने उसे फाइट की और उस सेलेस्टियल किंग को 10 स्टेप्स में ही मार डाला। शरीर का ऐसा उसने नामो निशान हटा दिया कि मीनो तक के उसके शरीर का कुछ अता पता नहीं लगा कि तभी यहाँ हेतिन फिर से इस कहानी को इंटरप्ट करता है। क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने उस तलवार को सच में यूज किया था? तो आखिरकार उन्होंने उसे यूज कैसे किया था? जिस पेशेंट उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम बार बार उसे इंटरप्ट क्यों कर रहे हो, कहानी और भी ज्यादा रोचक हो रही है, इसीलिए वो जाओ हांग को आगे बताने के लिए कहता है। आगे जाओ हांग बताना शुरू करती है कि उसके पेरेंट्स ने पूरी मानव जाति को बचाने के लिए उस सेलेस्टियल गॉड को ही मार डाला था। अपने आखिरी दम तक उन्होंने उससे फाइट की थी और 7 दिन और रातों तक ये लगातार फाइट चलती रही थी उसी थ्रोन के आगे दिपाने के लिए वो सेलेस्टियल किंग इतना बेताब था। लेकिन ये फाइट खत्म होती है और वो सेलेस्टियल किंग वहाँ पे मारा जाता है। जिसपे फिर लायला उससे पूछती है कि जब को सब कुछ खत्म हो गया था, किंग ऑफ गॉड्स तो मारा गया था, तो आखिर में तुम्हारे पेरेंट्स के साथ क्या हुआ और तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? इस पे जाओ हांग यहाँ सैडली उनसे बताती है कि मेरे पेरेंट्स ने तो उस किंग ऑफ गॉड्स को मार डाला था, लेकिन उसके मरने के बाद भी वो जो किंग ऑफ गॉड्स था उसने अपनी सोल को उस जोशियान शॉट के अंदर इंटीग्रेट कर दिया था। उसकी सोल जो थी उस तलवार के अंदर जा चुकी थी और इस मौके का उसने फायदा उठाया। वो जो तलवार होती है इसके दोनों पेरेंट्स को मार डालती है और तभी से ही वो जो किंग ऑफ गॉड्स था उसका जो पैलेस था वो ढह गया और अंडरग्राउंड जमीन के खाई में जा गिरा, जिसमें मेरे पेरेंट्स के साथ साथ उनके द्वारा जो बनाई गई वो दो तलवारें थी वो भी दफन होके रह गईं। और ये जो शॉट टॉम देख रहे हो उसी ढही हुई इमारत का ही ओरिजिन है। लायला इन सब बातों का ये मतलब निकालती है कि वो जो किंग ऑफ गॉड्स है उसकी जो सोल है वो अब तक उसी जुआन शॉट में कैद है और वो उसी शॉट के माध्यम से ह्यूमन वर्ल्ड में वापस आना चाहता है। उसकी जो स्पिरिट है अभी भी उस तलवार के अंदर है, इसी कारण जो भी शॉट टॉम में आता है उनकी बॉडी को एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है
और यही कारण है कि ज़ाओ हांग अब से यहाँ पे रुकी हुई है ताकि शॉर्ट टर्म में जो भी आने वाले बंदा हो उसे अंदर जाने से रोक सके डराते हुए। और वो ऐसा इसलिए करना चाहती है क्योंकि जैसे ही वो लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है लोग तो उसके वश में आ जाते हैं और उसके गुलाम बन जाते हैं। तो ज़ाओ हांग बस यही नहीं चाहती कि वो और भी ज्यादा लोगों को गुलाम बना करके अपनी एक आर्मी तैयार करे, जिसपे ये तीनों समझ जाते हैं कि क्यों उनके मास्टर जियांग ने इन तीनों को यहाँ पे भेजा है, ताकि वो शॉट को यहाँ पे नष्ट कर सके और भी लोगों को उसका गुलाम बनने से बचा सके। जिसपे लैला अब ज़ाओ हांग से उस दूसरे तलवार के बारे में पूछती है जो कि उस ज़ुयान तलवार का तोड़ है, वो भी इसी शॉर्ट टर्म में ही कहीं ना कहीं दबा हुआ है। जिसपे ज़ाओ हांग उसे बताती है कि अगर वो दूसरी तलवार भी तुम्हें मिल जाती है तो इसका यूज करके भी तुम किंग ऑफ गॉड्स का मुकाबला नहीं कर सकती। जिसपे हितिन उसे कहता है कि तुम अभी भी हमें कम आंक रही हो, हमें कमतर मत समझो, हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, हम पे विश्वास करो, हम जरूर तुम्हारे पेरेंट्स की मदद करेंगे उसे पूरी तरीके से हराने में, और जो तुम्हारे पेरेंट्स ने उसे मारने का काम शुरू किया था उसे हम खत्म करेंगे। इन तीनों के समझाने के बाद ज़ाओ हांग जो होती है वो मान जाती है और अपने साथ यहाँ इन तीनों को चलने के लिए कहती है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी मेहनत को थोड़ी सी अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो, क्योंकि आपको पता ही ना कि आपके जो लाइक्स हैं वही हमारे मोटिवेशन का सोर्स हैं। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।